फिल्म में रिक्शा चलवाकर ये डायरेक्टर साहब दिनेश लाल को निरहुआ बना दिए। वो साल था 2008 का, लेकिन अब एक मुर्गा काटने वाला मल्टी टैलेंटेड की बारी है, जिसे लोग कॉमेडी स्टार मणि मिराज के रूप में जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कैफी है, आप लोग बिहार वाले कैफी पर मुझे देख रहे हैं। एक तस्वीर आपको हम गौर से दिखा रहे हैं, जरा गौर से आप लोग देखिएगा। अभी यह तस्वीर है संतोष मिश्रा, जो कि भोजपुरी के आज के डेट में सुपर स्टार डायरेक्टर है। दरअसल मणि मिराज का एक फिल्म बनकर तैयार है, जिसका नाम वेलकम है। उस वेलकम के भी डायरेक्ट किए हैं संतोष मिश्रा, और कहा जाता है कि संतोष मिश्रा जिस पे हाथ डाल देते हैं वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती है। और ऐसे स्थिति में संतोष मिश्रा की एक फिल्म नहीं, कई फिल्में हैं, जिस फिल्म को आप लोगों ने बड़े पर्दे पे देखे होंगे। आपने देखा होगा पटना से पाकिस्तान, निरहुआ का बॉर्डर देखा होगा, आपने देखा होगा बम बम बोल रहा है काशी, जिसमें दिनेश लाल यादव निरहुआ है, और आपने देखा होगा मोकामा 0 किलोमीटर, जो अनंत सिंह पर एक फिल्म बनाई गई है। ऐसे ऐसे तमाम हिट फिल्में हैं जो संतोष मिश्रा लिखे हैं और डायरेक्टिंग भी किए हैं। और ऐसे स्थिति में अब बारी है मणि मिराज की, जो मणि मिराज सर्च स्टार कहे जाते हैं, लोग सर्च कर देखते हैं, मल्टी टैलेंटेड है। लेकिन अब मणि मिराज एक सुपर स्टार के रूप में है, और अब पर्दे के हीरो बनाने के लिए संतोष मिश्रा एक फिल्म बनाया है, जिस फिल्म का नाम वेलकम है। और यह वेलकम मणि मिराज को सिनेमा में वेलकम किया है, और मणि मिराज ऐसा काम किए है कि यह वेलकम अब दर्शक को सिनेमा हॉल में वेलकम करेगा। और कहीं ना कहीं इस फिल्म में ऐसी कॉमेडी है, जिस कॉमेडी से शायद मणि मिराज के 20 मिनट आप वक्त पूरी तरीके से दे देते हैं, तो यहां पे आप 2.5 घंटे वक्त देंगे, पता भी नहीं चलेगा, और हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। और ऐसे परिस्थिति में ये फिल्म जो है कि बहुत जल्द आपके सिनेमाघरों में आएगी। और संतोष मिश्रा इसकी डायरेक्टिंग किए हैं, और जो इसके प्रोड्यूसर है वो अभिमन्यु कुमार है, जो लगातार भोजपुरी फिल्म में कई बना दिए हैं, लेकिन अब मणि मिराज को लेकर इस फिल्म को बनाए हैं, जिस फिल्म का नाम वेलकम है। और उसे टीजर जो है वो त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड पे रिलीज किया गया है। हाल में ही अब जो है उसकी ट्रेलर लॉन्च होगी, उसके बाद बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और नेपाल के साथ साथ कई शहरों में इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। जो दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मणि मिराज के फिल्म को लेकर, वो बिल्कुल आप लोग धीरज रखिए, आप लोग समक्ष नजदीकी सिनेमाघरों में ये फिल्म आएगी। बात कर रहे थे ये डायरेक्टर साहब संतोष मिश्रा की। ये संतोष मिश्रा अपनी लेखनी के लिए जाने जाते हैं, वो जबरदस्त स्क्रिप्टिंग, जिस स्क्रिप्टिंग को अगर कोई डायरेक्ट कर रहा है तो आसानी से कोई भी फिल्म बना सकता है। और ऐसे स्थिति में लगभग दर्जन भर ये तो स्क्रिप्टिंग किए होंगे, और दर्जन भर फिल्म ये स्क्रिप्टिंग के साथ साथ डायरेक्टिंग भी किए हैं। और ऐसे स्थिति में जो फिल्म में ये हाथ डाले हैं, लोग कहते हैं, दर्शक कहते हैं कि सुपर डुपर हिट जाता है। अब सोचिए कि बिरहा स्टार जो थे वो निरहुआ थे, कई फिल्में बना चुके थे, लेकिन जैसे ही 2007 में निरहुआ के साथ ये डायरेक्टर संतोष मिश्रा मिलकर एक फिल्म का निर्माण किया, निरहुआ रिक्शा वाला, और उस फिल्म को इतना चलाया गया सिनेमा हॉलों में कि आज वो ब्लॉकबस्टर है उस समय की फिल्म। बाकी आप लोग भी अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मेरा नाम कैफी है, बिहार वाले कैफी पर मुझे आप सब देख रहे हैं।